हेलो गाइस, वेलकम टू द टीआरसी टेक। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब रेड लाइट इसमें इंडिकेशन करता है ये वाला, और पेपर पिक नहीं करता, मल्टीपल टाइम ट्राई करता है पेपर पिक करने के लिए, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, तो अभी ये एरर कंडीशन में, तो इनिशियलाइज भी नहीं हो रहा। अब इस बार बंद करके एक बार ऑन करते हैं। ओके, बंद करके भी ऑन किया बट सेम इशू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पेपर जैम को देखेंगे और इनिशियलाइजेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो है हमारा है इनिशियलाइज होने लगा इंजन। इंजन इनिशियलाइज होने लगा बिल्कुल। ओके, इनिशियलाइज हो चुका है। अगर ये स्कैनर ख़राब होगा तो एक बार कवर ओपन करके बंद करेंगे तो स्कैनर इंजन मूवमेंट नहीं करेगा, जैसे अभी ये मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो मूवमेंट नहीं करेगा तो समझो स्कैनर ख़राब है। अगर रेड लाइट जला दे तो, यहाँ तो ऑरेंज लाइट एरर का जो इंडिकेशन जला दे तो इसका मतलब अभी हमारे स्कैनर भी ओके है। अब हम इसमें प्रिंट का कमांड देते हैं। जैसे हमने प्रिंट का यहाँ से कमांड देंगे तो इंजन भी मूवमेंट करने लगेगा। ओके, देखिए रेड लाइट आया और उसके बाद से एक ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, ग्रीन हुआ, फिर ट्राई करेगा पेपर पिक करने के लिए। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये पेपर ट्राई कर रहा है पिक करने के लिए। ये देखिए आवाज़ सुनिए, लेकिन ये उठा नहीं रहा है पेपर को, पिक नहीं कर रहा है। अब मैं इसको बता रहा हूँ क्या रीज़न है पेपर नहीं पिक कर रहा है। तो दो चीज़ें होती है, एक सेपरेशन पैड और एक हमारा रिले का इशू होता है। ठीक है, तो ये सही जानकारी प्रिंटर में आपका होना ज़रूरी है। सही जानकारी होगा तभी आप रिपेयर कर पाओगे, सही पार्ट को डिमांड कर पाओगे और आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम लॉजिक कार्ड की वजह से भी आता है, ईसीयू की वजह से भी आता है, जो केबल स्ट्रिप होता है हमारा डैमेज होने की वजह से। चलिए खोल के इसको लाइव रिपेयर करके दिखाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, देखते रहिए चैनल का नया, तो क्योंकि मैं इस प्रिंटर का आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ। तो और कुछ होता नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली वही चेक करिए। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे लॉजिक कार्ड का इश्यू कनेक्शन। ठीक है, पहले देखेंगे कनेक्शन हमारा रस्ट है या नहीं है। तो कनेक्शन को थोड़ा सा रस्ट लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे इस कनेक्शन को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। ओके, तो क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारा है, एक बार हम प्रिंटर मेक श्योर आपको ऑफ होना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट होने की चांसेस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा या शॉर्ट ही हो जाएगा इश्यू। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम एक रब कर लेंगे, इसको क्लीन हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम इसको लगाएंगे। और एक चीज़ और, कैसे हम मैनुअल टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रिंटर वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली। तो देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को बता दूँ इस एरर के बारे में। तभी यहाँ पे ग्रीन आ चुका है, दोबारा से हम प्रिंट देंगे। तो अभी मैं कनेक्शन यहाँ से लगा लिया हूँ, ये हमारा प्रिंटर का सेक्शन है। ओके, और यहाँ से मैंने दोबारा प्रिंट दिया सिस्टम से अपने। तो देखिए दोबारा कमांड आएगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, फिर ये ट्राई करेगा प्रिंट करने, फिर पेपर ये पिक नहीं करेगा। ओके, तो मैं एक बार इंजन भी ये प्रॉपर बंद नहीं हो रहा क्योंकि कवर टूटा हुआ है। ओके, अब देखिए ट्राई करेगा पिक करने के लिए, ट्राई कर रहा है लेकिन ये पिक नहीं कर रहा। ठीक है, और रिले भी एरर आ जाएगा। ओके, अब चलिए अब दूसरा स्टेप देखते हैं। और मैनुअल भी जब ये काम नहीं करेगा तो लॉजिक कार्ड भी काम नहीं करता, ये वाला सेक्शन, ये प्लन रिले। ठीक है, वो भी ये प्रिंट नहीं करेगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ एक रिले लगाता है, ये जो है रिले इसे बोलते हैं। ये इस पर गमिंग होता है, इस पर ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेगा, ये सही डिले टाइम एरर देगा। लेकिन इस पर ऑलरेडी टेप लगा हुआ है। ओके, तो ऑलरेडी टेप लगा हुआ है। अब हम चेक करेंगे सेपरेशन पैड, ये हमारा सेपरेशन पैड होता है। अब इसको हम क्लीन करके देखेंगे, तो ये दो पेज खोलेंगे बैक साइड से। ओके, फिर नहीं होगा तो हम फाइनली आपके इसके रिजल्ट पे आ जाएंगे कि क्या एक्चुअल हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा सेपरेशन पैड बिल्कुल ओके है, तो इसमें नो डाउट कि हमें कोई इशू होना चाहिए, बिल्कुल ओके। अब हम आते हैं हमारा क्या ख़राब हो सकता है। ये भी टूटा हुआ है, इसका जो देखिए यहाँ पे डैमेज दिख रहा है, बट
इसको हम लगाते हैं। ऐसे ये ऐसे ही लगता है, ये देखिए ऐसे लगता है। मैं थोड़ा सा इसका हाथ से हैंड किया होता है, कैरी किया होता है इसको, देखिए ये भी टूटा हुआ। इस असेंबली को हम ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते, तो ये पार्ट कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, सेपरेशन एरिया, नहीं तो ये आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम इसको सामने से पिकअप पेपर पिकअप रोलर को चेक कर लेंगे, प्रिंटर डैमेज है, पेपर पिकअप रोलर भी हमारा ओके है। देखिए पेपर पिकअप रोलर भी ओके है, तो ये भी हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लगा लेते हैं, अब चेक करा देते हैं आपके पीछे क्या है, ऐसा डायग्नोस करना है कि एग्जैक्टली हमारा यही है। आप लगाते हैं, कनेक्शन लगाते हैं और पेपर हमने लोड कर ही रखा है। अब इस बार इसको डोर हम बंद करते हैं प्रॉपर ऐसे, डोर हमारा बंद हो चुका है, इंजन मूवमेंट करने लगा। तो जैसे हम प्रिंट देंगे, देखिए इंजन मूवमेंट करके इनिशियलाइज हो गया, अब यहाँ से प्रिंट देंगे, जैसे हम यहाँ प्रिंट देंगे ट्राई करेगा प्रिंट करने के लिए। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, मैनुअल यहाँ से रिलीज करना है इस वाले रिले को। ठीक है, ये पेपर उठा लेगा, नहीं उठाया पेपर, दोबारा ट्राई करेंगे। तो एक बार इधर से देखना है आपको, इस एरिया से ये इनिशियलाइज में थोड़ा सा ये दबा के रखना पड़ रहा है, तो इसके वजह से भी ये इनिशियलाइज इशू आ रहा है, बट स्टिल ट्राई करेंगे। अभी दोबारा कमांड देते हैं, देखिए जो रिले है हम यहाँ से एक बार ट्राई करेंगे, जब ये पिक करने के लिए ट्राई करेगा। ओके, देखिए देखिए यहाँ से पिक कर लिया पेपर, बट यहाँ पे जाम हो जा रहा है। ओके, तो ये डिले टाइम एरर है, 100% आपका लॉजिक कार्ड ख़राब है, अब इसे चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, ट्राई तो कर रहा है, और या तो पेपर पिकअप एशन भी। ओके, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और प्रॉब्लम लगता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं, यहाँ पे आके पेपर जैम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लूज होगा ये वाली असेंबली, देखिए ये वाली, ये देखिए ऐसे करेगा, ऐसे इस तरह से, तो भी ये ख़राब है आपकी गियर असेंबली, ये ख़राब है। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसी वजह से पेपर पिक नहीं कर पाता। ओके, ये देखिए ये असेंबली ख़राब है, चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पिक तो कर रहा है पेपर, ट्राई कर रहा है, कट कट सी आवाज़ आ रही है, बट ये असेंबली प्रॉपर मूव नहीं कर रही, देखिए कैसे कर रहा है। ओके, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, देखिए देखिए हिल रहा है।
जो कि नहीं होना चाहिए, ये चेंज करना पड़ेगा आपको।